यहाँ रामगंगा बैराज डैम जो आए हुए हैं, तो क्या कदम किया जा रहा है? मैं किसान एकता संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर रवि नागर हूँ और मेरे साथ में राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार, युवा के प्रदेश के अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के महासचिव डॉक्टर हरिओम राठौर जी और तमाम लोग किसान एकता संघ के पदाधिकारियों ने आज रामगंगा बरेली में जो बैराज बना हुआ है उसमें जो बदायूं सिंचाई परियोजना जो अधर में लटकी हुई है, लगभग 8-10 साल इस परियोजना को चालू हुए हो गए और पिछली दफ़ा जब हमने ज्ञापन दिया तो हमने जानकारी ली तो अधिकारियों ने ये बताया कि 1600 करोड़ से ये योजना शुरू हुई थी और आज लगभग 3200 करोड़ पर ये योजना पहुंच गई है, इसका बजट पहुंच गया है। लेकिन अभी तक ये योजना 10 साल पहले जैसे पड़ी थी अधर में वैसी ही आज भी लटकी पड़ी है। ये जो किसान का पैसा है, ये जो देश के आम नागरिक का पैसा है, इस तरीके से इस पैसे को लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है पैसे को। और जो किसानों को इस योजना से लाभ मिलना चाहिए था, बदायूं के जितने भी तहसील हैं उन सब में किसानों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता और बार बार बजट के निर्धारण के बाद भी यह योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज किसान एकता संघ के तमाम पदाधिकारी यहाँ आए हैं, इससे पहले 1 अगस्त को भी अधिकारियों को ज्ञापन दिया लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब इस संबंध में किसान एकता संघ को नहीं भेजा है कि ये इस पर प्रगति क्या चल रही है, हम क्या कर रहे हैं और इसमें भविष्य में क्या होने वाला है। इस बात से रुष्ट होकर, परेशान होकर, दुखी होकर किसान एकता संघ के तमाम पदाधिकारियों ने आज रामगंगा बैराज पे आकर माँ गंगा मैया के सामने गंगा जल को हाथ में लेकर शपथ खाई है कि किसानों के ये जो महत्वपूर्ण योजना है उनको भविष्य बनाने वाली इस योजना को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी, और जरूरत क्या पड़ी, आज आंदोलन की शुरुआत किसान एकता संघ के पदाधिकारियों ने गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि जब तक ये सिंचाई परियोजना पूर्ण नहीं होगी तब तक हम आंदोलन के रास्ते पर रहेंगे। भले ही इसके लिए अगर किसान एकता संघ के पदाधिकारियों को जेल भी जाना पड़े तो उससे भी ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। आज हम लोगों ने ये शपथ यहाँ ग्रहण की है राम गंगा जी इस बैराज पर, सभी पदाधिकारियों ने गंगा जल लेकर और ये संकल्प लिया है।